इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप जो अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये बीटीएसडी के कैंडिडेट हैं। बीटीएसडी के कैंडिडेट अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इसी दरमियान पुलिस ने उनके ऊपर में बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के बीटीएसडी के कैंडिडेट बैठे हुए थे। सुबह से कैंडिडेट सड़कों पर उतरे हुए थे। 12:30 बजे ये कैंडिडेट बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर सभी को वहां से हटा दिया। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए बीटीएसडी के कैंडिडेट के ऊपर में पुलिस ने एक बार फिर से लाठियां बरसानी शुरू कर दी है। बीटीएसडी के कैंडिडेट पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के पटना के अलग अलग जगहों पर जो है प्रदर्शन करते रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद बिहार में एक बार फिर से लाठियों का दौर, खास तौर पे छात्रों पर लाठियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इसके पहले में 7वें चरण के नियुक्ति बहाली को लेकर के भी छात्रों के ऊपर में पुलिसिया बर्बरता की गई थी और ये अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से घींच घींच कर लाया जा रहा है और स्टूडेंट को पीटा जा रहा है। बीटीएसडी के कैंडिडेट पर लाठी चार्ज हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी यह है कि बीटीएसडी के कैंडिडेट आरजेडी, जदयू और बीजेपी यानी कि बिहार के प्रदेश कार्यालय, जो तीन प्रमुख दल है बीजेपी, जदयू और आरजेडी, इन तमाम जगहों पर घेराव करने पहुंचे हुए थे और इसी दरमियान पुलिस ने उनके ऊपर में लाठियां बरसा दी है। बीटीएससी जूनियर पद की परीक्षा देने के बाद भी कैंडिडेट लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आज उनका सब्र का बांध टूट गया और अचानक जो है वो धरना प्रदर्शन करने निकले और धरना प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर में लाठियां बिहार पुलिस के द्वारा बरसाई गई हैं। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे किस तरीके से सभी कैंडिडेट जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन के दौरान बीटीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी गई हैं। पटना पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई और आपको बताएं कि जिस तरीके से इनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठी डंडे बरसाने शुरू किए गए हैं, बल्कि इसके पहले में कई अन्य विभाग के जो स्टूडेंट थे वो अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दरमियान उनके ऊपर में लाठियां जो हैं वो बरसाई गई हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, देखिए बीटीएसडी के अभ्यर्थी किस तरीके से बिहार पुलिस के डंडों से बचते हुए भी नज़र आ रहे हैं और पिटाई भी खा रहे हैं। इनके ऊपर में लाठियाँ किस तरीके से बरसाई गई हैं, तमाम कैंडिडेट्स अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे। आपको बताया कि ये परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिजल्ट जब इनका नहीं जारी हुआ तो आज इनका सब्र का बांध टूटा है और इन लोगों के ऊपर में लाठियां बरसानी शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।